हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो अभी हम क्रिकेट का जो वीडियो है उसका सेकंड पार्ट देख रहे हैं, उसका सेकंड पार्ट कवर कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम कुछ जो टर्मिनोलॉजी छूट गई थी, कुछ जो शब्दावली छूट गई थी उसको कवर करेंगे, और साथ ही साथ जो फैक्ट है इम्पोर्टेंट और जो महत्वपूर्ण प्लेयर जो खेले हैं वो उनको उनके बारे में जानेंगे, और जो स्टेडियम हैं जो जिनके बारे में पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में, तो स्टेडियम्स और बुक्स जो क्रिकेटर के द्वारा लिखी गई है या क्रिकेट पर जो बुक लिखी गई हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब हम बात कर रहे हैं आउट स्विंग, इन स्विंग, रिवर्स स्विंग, जो कि फास्ट बॉल में बहुत ज़रूरी होती हैं, उनके बारे में बात करेंगे। मतलब जो बॉलिंग संबंधित, सीम संबंधित जो टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले आउट स्विंग की बात कर रहे हैं। तो आउट स्विंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि जो साइनी साइड है वो इनसाइड हो, मतलब राइट हैंडर के लिए जो आउट स्विंग हो, राइट हैंडर बैट्समैन के लिए हम बात कर रहे हैं आउट स्विंग। तो उसमें साइनी साइड जो है, जो चमकदार जो तरफ है वो किस तरफ, जो राइट हैंडर बैट्समैन के अंदर की तरफ होनी चाहिए, और जो रफ साइड है जिसमें, जैसे न्यू बॉल, एक्चुअली ये न्यू बॉल में होता है, ठीक है ना। आउट स्विंग नेचुरल स्विंग की बात करें, जो न्यू बॉल स्विंग होती है, तो न्यू बॉल स्विंग पहले से रफ नहीं होती है, आपको ही पता होगा, लेकिन उसमें जिस साइड एक विज्ञापन छपा होता है वो थोड़ा रफ है रहता है, और दूसरी तरफ जो होता है वो बिल्कुल चिकना सतह होता है। तो वो वाले मतलब रफ और साइन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो रफ साइड जो बाहर रहेगी और साइनी साइड जो है वो अंदर की तरफ होगी, ठीक है, जैसा ये चित्र में बताया गया, ठीक है। और जो सीम की पोजीशन है वो बाहर की तरफ होनी चाहिए, वो सीधी ना हो के थोड़ा बाहर की तरफ हो तो ज़्यादा स्विंग मिलती है, सीधी तरफ भी रहेगी। जैसे कि आप सीधी सीम रखना चाह रहा है बिल्कुल, तो फिर आपको क्रीज के कोने की तरफ से बॉल को, बॉल के लिए आप डिलीवर करोगे तो फिर बॉल जो है वो कोने की तरफ से कोण बनाती हुई आएगी, लेकिन वो सीधी रह जाएगी, तो वो भी बॉल जो है वो काफ़ी सही रहती है, जो कि हमारे इंडिया से मोहम्मद शमी ज़्यादातर करते हैं वैसी बॉल, तो वो भी आउट स्विंग में ही आएगी, ठीक है ना, क्योंकि वो थोड़ा तो स्विंग हो रही है। तो आपको ज़्यादा स्विंग नहीं चाहिए, तो आपको थोड़ा सा बाहर की तरफ सीम का जो डायरेक्शन है, मैं बताता हूँ आपको, सीम का डायरेक्शन जो थोड़ा सा बाहर की तरफ होना चाहिए, ठीक है ना। सीधा ये है, ये सीधी डायरेक्शन है, लेकिन ये आप बाहर की तरफ होगी तो इस साइड मुड़ जाएगी बॉल, ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा, ये रफ साइड, इसमें क्या होता है कि रफ साइड में जब एयर टकराती है तो इसमें ना थोड़ा ऐसे स्मूथली नहीं चलती, थोड़ा सा टकरा के जाती है, ठीक है। तो जो फोर्स है वो इस तरफ ज़्यादा लगता है, फोर्स इस तरफ क्या होता है, ज़्यादा लगता है, ठीक है। और इस साइड से यदि एयर आती है तो वो बिल्कुल सीधी निकल जाती है, ठीक है ना, सीधी निकल जाती है, क्योंकि वो चिकनी सतह है, ठीक है ना। तो इस साइड क्या होता है, थोड़ा सा रफ रहता है, तो एयर में टर्बुलेंस होता है, जिसकी वजह से सीम उसी साइड मुड़ने की कोशिश करती है जिस साइड रफ रहता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस वजह से आउट स्विंग होती है, ठीक है, और इसी वजह से इन स्विंग होती है। तो इतना ज़्यादा मैं इन स्विंग में नहीं बताऊँगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसका देख लेते हैं कि स्विंग होती कैसे है। ये देखिए एंडरसन की जो बॉल है, ये देखिए आउट स्विंग हो रही है, देखना। तो इसमें देखना सीम पोजीशन किस तरफ है, तो वो आपको मैं बताता हूँ अभी। देखिए सीम पोजीशन किस तरफ है, बाहर की तरफ हो, ये देखिए बाहर निकल गई, ठीक है। लेग स्टम्प की तरफ लाइन थी लेकिन वो ऑफ स्टम्प तरफ बाहर निकल गई, तो ये होती है आउट स्विंग डिलीवरी, ठीक है, बहुत ही शानदार थी। अब हम बात कर लेते हैं इन स्विंग। तो इन स्विंग में भी सेम वही साइंस लगेगा, है ना, लेकिन रफ साइड जो है वो इनसाइड होगा और साइनी साइड वो आउटसाइड होगा। तो इससे क्या होगा कि जो बॉल है वो किस साइड, सीम पोजीशन किस साइड होगा इसका, ऐसा हम सीम पोजीशन इस साइड होगा, ठीक है। सीम पोजीशन वाला मैंने पिक नहीं लगा पाया, एम सो सॉरी। तो ये बॉल किस साइड, इस साइड चली जाएगी। तो राइट हैंड बैट्समैन के लिए जो है ये जो बॉल है वो किस तरफ आएगी, अंदर तरफ आएगी, ठीक है ना, है ना। और आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो ये देख लीजिए इन स्विंग कैसे होती है, ये देखिए ईशान शर्मा की जो बॉल है ये इन स्विंग है। अच्छा, लेफ्ट हैंडर के लिए यही बॉल जो है वो बाहर निकल जाती है, आउट स्विंग हो जाएगी, ठीक है ना। लेफ्ट हैंडर के लिए ये बॉल जो है ये बिल्कुल वो आउट स्विंग हो जाएगी। इसमें देखना थोड़ी देर बाद, इसमें मैंने डाला हुआ, देखिए ये लेफ्ट हैंडर के लिए यही बाहर निकल जाएगी, देखिए ये बाहर निकल गई बॉल, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंडर के लिए ये आउट स्विंग हो गई, ठीक है। तो ये बॉल जो है राइट हैंडर के लिए अंदर आई इन स्विंग, राइट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं। अब हम बात करें रिवर्स स्विंग क्या होता है। देखिए रिवर्स स्विंग में, देखो स्विंग तो वैसे ही होगा, अंदर आएगा बाहर आएगी बॉल तैरते हुए। तो रिवर्स स्विंग क्या होता है कि रिवर्स स्विंग में एक साइड, अब ये थोड़ा सा समझ में बहुत लोगों को नहीं आता होगा। देखिए क्या होता है, बॉल जब पुरानी होती जाती है तो एक साइड का जो साइन रहता है ना उस पर,
उसके साइन को बरकरार रखा जाता है, उसमें कुछ थोड़ा सा लग जाता है, कंकड़ वगैरह चिपक जाते हैं, उसको हटा देते हैं, फिर उसमें थोड़ा सा मतलब कहना चाहिए थूक और पसीना लगा के उसका साइन बरकरार रखा जाता है, ठीक है, ऐसा ही होता है, थूक और पसीना ही लगाया जाता है। और जो दूसरा रफ़ साइड है उसको छुआ भी नहीं जाता, उसको हथेली टच भी नहीं होनी चाहिए, उसको बॉल तैयार किया जाता है धीरे धीरे, फिर वो 20 ओवर या उसके बाद फिर वो बॉल तैयार हो जाती है। तो जो एक साइड का चमड़ा निकल गया है, ठीक है, रफ़ हो गए, एक साइड का नहीं निकलने दिया है और ऊपर से उसमें थूक और पसीना लगा के उसको वज़नदार हो, तो एक साइड ना बॉल वज़नदार हो जाती है, ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ ये बॉल है, ठीक है ना, तो ये साइनी साइड है और ये कौन सा रफ़ साइड है, ठीक है ना, तो इस साइड क्या हो जाएगा, वेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, वेट जो है वो बढ़ जाता है एक साइड का, तो बॉल जो है, तो बॉल क्या करेगी, बॉल क्या है, इसी साइड क्या होगी, गिरेगी, है ना, इसी साइड बॉल ना नीचे डाउन की तरफ इसमें क्या लगने लगे, फोर्स लगने लगेगा, वेट बढ़ जाएगा, क्योंकि उसमें क्योंकि चमड़ा जो है वो थोड़ा सा वजनदार हो जाता है थूक लग लग के और पसीना लग लग के, तो उसी साइड गिरने लगती है जिस साइड साइनी साइड रहती है, ठीक है ना, तो इसी को बोला जाता है रिवर्स स्विंग। तो जिस साइड साइनी साइड रहेगी उसी साइड गिरेगी, इससे अब कोई मतलब नहीं कि सीम पोजिशन किस साइड है, ठीक है। अच्छा, और ज़्यादा स्विंग पाने के लिए सीम थोड़ा सा हम ऐसा तिरछा कर देते हैं, सीम ऐसा तिरछा, यदि आप सीम करके बॉल कर रहे हैं तो ज़्यादा गिरेगा, क्योंकि इस साइड फिर पूरा वेट इसी साइड, मतलब साइनी साइड इस साइड है तो पूरा वेट इसी साइड आपका झुक जाएगा, तो बॉल और ज़्यादा रिवर्सिंग होती है। इसीलिए देखना आप जिनका स्लिंगी एक्शन, जिनका तिरछा हाथ आता है, जैसे कि वहाब रियाज हुआ और क्या हुआ, पाकिस्तान का और ऑस्ट्रेलिया का वो लंबा लंबा जो खिलाड़ी मिचेल स्टार्क, ठीक है, तो जो मिचेल स्टार्क है ना, उनका देखना स्लिंगी एक्शन रहता, उनकी जो रिवर्सिंग है वो बहुत तगड़ी होती, बहुत मतलब हाई रिवर्सिंग होती है, ठीक है ना। तो आई होप आपको रिवर्स स्विंग समझ में, रिवर्स स्विंग कुछ कुछ नहीं होता कि एक साइड सीम के एक साइड का जो वेट है वो बढ़ा दिया जाता है कुछ ऐसा करके, बॉल को तैयार करके, उसको बोला जाता है क्या, रिवर्स स्विंग। और रिवर्स स्विंग को लेकर ही बॉल टेम्परिंग की गई थी, मतलब कि वो ऑटोमेटिकली ग्राउंड में लग लग के छिल जाती, वो लीगल है, लेकिन रेत पेपर से उसको छील दिया गया था ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों द्वारा, तो वो बॉल टेम्परिंग थी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, अब आगे चलते हैं। तो ये देखिए रिवर्स स्विंग कैसी होती है, देखिए साइनी साइड अंदर साइड है और ये देखिए ये बॉल तो ये रिवर्स स्विंग, ये एंडरसन की बॉल थी, आई होप आपको समझ में आया होगा, देखना ये साइनी साइड अंदर साइड, ये इसमें दिख नहीं रही, क्वालिटी अच्छी नहीं, लेकिन साइनी साइड वो अंदर साइड है। अब आगे चलते हैं, अब शॉट देख लेते हैं कुछ। तो ये होता है कट शॉट होता है, जिसमें इसमें जो बल्ला जो होता है ना, बल्ला जो होता है जैसे एक बॉल है, तो बल्ला जो है होता है वो कैसा, बॉल को ना ऐसे किनारे तरफ की फोर्स काटते हुए जाएगा, तो बॉल फिर इस साइड जाती है, तो इसको बोला जाता है क्या, आपका कट शॉट, कट मतलब बॉल को थोड़ा सा स्लाइस करते हुए मतलब मारना, ठीक है। अब पुल की बात करें, पुल कुछ नहीं, ऑफ स्टम्प से बॉल को पुल करके लेग स्टम्प साइड मारना, वो होता है पुल होता है, उसमें थोड़ा सा मतलब शॉर्ट ले थोड़ा सा शॉर्ट अप लेंथ और गुड लेंथ के आसपास जब बॉल आती तब इसको मारा जाता है, ठीक है ना। लेकिन जब बॉल ज़्यादा शॉर्ट हो जाती है और सिर के पास जब बाउंसर आती है, तब यही पुल जैसे ही एक शॉर्ट होता है जिसको बोला जाता है हुक, वो हम देख लेते हैं। ये देखो इसमें बाउंस आएगी, बाउंसर आएगी थोड़ी ज़्यादा, देखिए सिर की तरफ आए, देखना बॉल जो है वो इस लाइन, सॉरी सॉरी सॉरी, तो बॉल जो है देखना वो किस लाइन पे, इस लाइन पे आ रही, सिर की लाइन पे आ रही बॉल, देखना आप, है ना। तो इसको क्या बोला जाता है, इस शॉट को सेम हुक मतलब पुल जैसे ही खेला जाता है, इसी को बोलते हैं हम हुक शॉट, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं प्लेयर्स के बारे में, प्लेयर्स के जो ओवरसीज प्लेयर उनकी सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं योन मॉर्गन, तो योन मॉर्गन कैप्टन है इंग्लैंड के, और इंग्लैंड के प्लेयर देख रहे हैं सबसे पहले हम, जेसन रॉय ओपनर है इंग्लैंड के, जॉनी बेस्टो भी ओपनर है, काफ़ी अच्छा खेलते हैं ये, काफ़ी पावर हिटिंग में विश्वास रखते हैं, जो रूट एक विराट कोहली जैसा खेलते हैं और उसी लेवल के प्लेयर हैं, और बेन स्टोक्स ऑलराउंडर है इंग्लैंड के, ठीक है, और जॉस बटलर विकेट कीपर है, मोइन अली स्पिन बॉलर हैं, ठीक है, इंग्लैंड के, राइट। अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के, तो ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ पूर्व कप्तान थे और डेविड वार्नर, ये दोनों बॉल टेम्परिंग में साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो बॉल टेम्परिंग केस हुआ था उसमें इन लोगों को प्रतिबंधित कर दिया गया था, तब से फिर अभी हाल ही में खेलने ने फिर से वापस स्टार्ट किया है, और टिम पेन ये टेस्ट टीम के कप्तान हैं।
फिलिप ह्यूज़ इसलिए मैंने डाला क्योंकि इनके बारे में पूछ सकते हैं कि फिलिप ह्यूज़ किस देश से संबंध रखते हैं, क्योंकि इनकी हाल ही में मौत हुई है, किसके चलते हुए बाउंसर जो बॉल आती है ना, जो सर तरफ की बॉल आती है बाउंसर उछल के, तो वो बॉल सिर में लग गई थी पीछे साइड, जिसकी वजह से उनकी ब्रेन की जो पीछे पार्ट होता है तो उसमें डैमेज हो गया था, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। ग्लेन मैक्सवेल के बारे में सभी जानते होंगे क्योंकि आईपीएल में खेलते रहते हैं, पंजाब की तरफ से ये खेल चुके हैं, ठीक है। तो ग्लेन मैक्सवेल के बारे में सभी जानते होंगे, ठीक है। और मिचेल स्टार्क फास्ट बॉलर है, ठीक है, जिसके बारे में अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी। और रॉस, अब हम बात करते हैं न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी रॉस टेलर, केन विलियमसन, ट्रेंट बोल्ट फास्ट बॉलर है, ठीक है। केन विलियमसन वही विराट कोहली पैटर्न वाले प्लेयर हैं, ठीक है। और मैकुलम ने संन्यास ले ली, लेकिन बहुत अच्छे फील्डर थे, और ये आईपीएल में भी इन्होंने काफ़ी चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से और भी केकेआर की तरफ से काफ़ी अच्छा मतलब प्रदर्शन इनका आईपीएल में भी रहा है, ठीक है। और जिमी नीसम वहाँ के ऑलराउंडर हैं, और टिम साउदी फास्ट बॉलर, ठीक है। अब हम बात करते हैं साउथ अफ्रीका साहब, हासिम आमला काफ़ी अच्छे बैट्समैन हैं। एबी डिविलियर्स, जिन्होंने संन्यास ली, जिन्होंने फास्टेस्ट सेंचुरी मारी थी 31 बॉल पे। और मिलर भी पावर हिटर हैं, क्विंटन डिकॉक ओपनर हैं, ठीक है, और साथ ही साथ वो विकेट कीपर हैं। फाफडू प्लेसी अभी हाल ही में कप्तान है, 2019 वर्ल्ड कप की जो टीम, उसमें फाफडू प्लेसी कैप्टन है। और जेपी ड्यूमनी, कंगिसो रबाडा फास्ट बॉलर है, ठीक है। अब हम बात करें पाकिस्तान के प्लेयर्स की, तो फ़खर जमान, इमाम उल हक ये ओपनर हैं, और सरफराज अहमद जो हैं वो कैप्टन हैं अभी हाल में, और शाहीन अफरीदी फास्ट बॉलर है, बाब रियाज भी फास्ट बॉलर है, शोएब मलिक को तो सभी जानते होंगे, है ना। और बाबर आजम कौन है, बाबर आजम को हम ये बोल सकते हैं कि वहाँ पाकिस्तान के विराट कोहली बोल सकते हैं, ठीक है। मोहम्मद आमिर फास्ट बॉलर हैं, ठीक है। और हफीज़ और हारिस सुहेल, ठीक है, तो ये पाकिस्तान के जो वो खिलाड़ी हैं जो ठीक ठाक क्रिकेट खेलते रहते हैं, इसलिए हमने उनको इसमें स्लाइड में मैंने उसको डाला हुआ है, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम कुछ महत्वपूर्ण भारतीय खिलाड़ियों की बात कर लें, जिसमें सबसे पहले रणजीत सिंह का नाम है। रणजीत सिंह, जिनके नाम पर रणजी ट्रॉफी चलती है, 1897 के आसपास इन्होंने खेला था, इंग्लैंड की तरफ से खेला था इन्होंने, इंग्लैंड वर्सेज ऑस्ट्रेलिया का जो गेम था उसमें खेला था, क्योंकि उस समय भारत की कोई टीम नहीं थी, तो इन्होंने इंग्लैंड की तरफ से खेला था, और इनका प्रदर्शन काफ़ी ठीक ठाक ही रहा था, ठीक है। और सी के नायडू, तो कर्नल सी के नायडू जो थे वो भारत के पहले कप्तान थे, भारतीय टीम के पहले कप्तान थे, और उस समय पे ये जो टीम थी 1930s के आसपास बनी थी, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तब के कप्तान थे। अच्छा, देश आज़ाद के बाद कौन कप्तान कौन बने थे, लाला अमरनाथ बने, जो कि आगे अभी हम देखेंगे, ठीक है। और वीनू मंकट भी काफ़ी अच्छे खिलाड़ी थे, और कपिल देव 1983 का जो वर्ल्ड कप जीता था उसके कप्तान थे कपिल देव। और सुनील गावस्कर जो उस समय पे जब सुनील गावस्कर खेलते थे तब तब ये भारत के सबसे अच्छे बैट्समैन कहे जाते थे, और इनकी 34 सेंचुरीज थी और टेस्ट में, और इनका एवरेज 51 के आसपास इनका एवरेज था, ठीक है। संजय मांजरेकर ये भी अच्छे खिलाड़ी थे, बैट्समैन थे। मोहम्मद अजहरुद्दीन ये भी कप्तान रह चुके हैं हमारे भारत के, और इन्होंने वर्ल्ड कप में कैप्टेंसी भी कर चुके हैं, ठीक है। 1996 का जो डिस्प्यूटेड वर्ल्ड कप हुआ था उसमें ये कैप्टन थे, ठीक है ना, जो श्रीलंका ने जीता था 96 का वर्ल्ड कप, तो उसमें ये कैप्टन थे और इसके बाद भी कैप्टन रहे हैं। और चेतन शर्मा इन्होंने हैट्रिक ली थी। मदन लाल, ठीक है, और मदन लाल 1983 वर्ल्ड कप में बॉलर थे, ठीक है। सचिन तेंदुलकर के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये इसलिए खिलाड़ी ज़रूरी हैं क्योंकि इन्होंने जो किया है वो तो ठीक है, सबसे सर्वाधिक रन बनाए, इनके रिकॉर्ड तो ठीक है, सर्वाधिक रन बनाए, सबसे ज़्यादा सेंचुरी, 100 सेंचुरी हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेट में, लेकिन इसके अलावा और भी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है जो मैं बोल रहा हूँ वो आप हो सके तो लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इनको 1994 में अर्जुन पुरस्कार मिला था, 1997-98 में इनको राजीव गांधी खेल रत्न मिला, जो आजकल खेल रत्न है, ठीक है, और भारत रत्न इनको सन 2014 मिला था, ठीक है ना, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। और एक बात और मैं बता दूँ, अभी हाल ही में 2019 से पहले की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है, तो इनके जो गुरु हैं रमाकांत आचरेकर, उनकी डेथ हो गई है, ठीक है ना, क्योंकि इनके कोच थे, पर्सनल कोच थे, ठीक है ना। अब सौरभ गांगुली भी उसी एरा में खेले हुए हैं जब सचिन तेंदुलकर खेलते थे, ठीक है। सौरभ गांगुली कैप्टन रह चुके हैं, और राहुल द्रविड़, जिनको टेस्ट मैच में जब इन्होंने एक दिन पूरा खेल खेला था, बिल्कुल पूरा एक दिन वीवीएस लक्ष्मण के साथ, और इन्होंने बॉल कम खेली थी और ये आउट ही नहीं हो रहे थे ये दोनों खिलाड़ी, तब से राहुल द्रविड़ को क्या बोला जाने लगा, दी बॉल, ठीक है ना,
ठीक है ना, भारत की दी बॉल बोले जाने लगा। और VVS लक्ष्मण, इन्होंने भी उनके साथ में दिया था 281 रन बनाए थे। और उस मैच में, उस टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था वो टेस्ट मैच, और उसमें ऑस्ट्रेलिया ने भारत को फॉलोन दिया था, और भारत ने वो मैच फॉलोन देने के बाद भी जीत लिया था। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है कि फॉलोन देने के बाद भी मैच जीतना, ये छोटी बात नहीं। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने कभी फॉलोन भारत को शायद दिया ही नहीं है, ठीक है ना। फिर अनिल कुंबले, जिनको जम्बो कहा जाता है, वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो एक मैच चल रहा था, टेस्ट मैच चल रहा था, उसमें उनका जबड़ा टूट गया था शायद, कुछ बॉल बॉल लगने से उनका जबड़ा टूट गया था, तो उन्होंने ऐसा जबड़े को बांध कर फिर बॉलिंग की थी, जब से उनका नाम जम्बो हो गया। ठीक है, जहीर खान भारत के स्विंग बॉलर थे, काफ़ी अच्छे बॉलर थे। सहवाग, जिन्होंने ट्रिपल सेंचुरी मारी है, एक एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं भारत के जिन्होंने ट्रिपल सेंचुरी मारी है, मतलब पहले, अब तो करुण नायर ने भी मार दी हाल ही में, कुछ ही साल पहले करुण नायर ने भी सेंचुरी मारी थी। तो दो सेंचुरी हैं, ट्रिपल सेंचुरी, ठीक है ना। और पाकिस्तान में मारी थी इन्होंने एक सेंचुरी, तब से इनको मुल्तान का सुल्तान कहा जाने लगा था। ठीक है, हरभजन सिंह ने टेस्ट मैच में हैट्रिक ली हुई है, वो भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ठीक है, और युवराज सिंह तो वर्ल्ड कप विनर बोल सकता हूँ मैं, ठीक है। 2007 का जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था, वो भी इन्हीं की वजह से जीते थे। 2011 का वर्ल्ड कप, वो भी इन्हीं की वजह से जीते थे। और इन्होंने 6 छक्के मारे थे, ठीक है ना, T20 वर्ल्ड कप में 6 छक्के मारे थे। और T20 में, इंटरनेशनल T20 में सबसे तेज अर्धशतक इन्होंने ही मारा था 12 गेंदों में, और इन्होंने मारा था। और अभी हाल ही में क्रिस गेल ने भी उतने ही गेंदों में अर्धशतक जो है वो पूरा किया, ठीक है ना। अब अजीत अगरकर भारत के स्विंग बॉलर थे, स्विंग बॉल करते थे, तेज बॉल करते थे। आकाश चोपड़ा को मैंने, क्योंकि उन्होंने क्रिकेट में काफ़ी अच्छा नहीं किया, लेकिन जो अभी हाल ही में कमेंट्री में इन्होंने काफ़ी अच्छा हुआ किया हुआ है, और इनका एनालिसिस काफ़ी शानदार रहता है, इसलिए इनको मैंने शामिल किया हुआ, ठीक है। विराट कोहली के बारे में तो कौन नहीं जानता, ठीक है, कोई मतलब आवश्यकता ही नहीं है इंट्रोडक्शन देने की। जो क्रिकेट नहीं भी जानता वो भी विराट कोहली का नाम जानता होगा, ठीक है। और रोहित शर्मा तो हिटर है, हमारे देश के खिलाड़ी हैं, ठीक है। करुण नायर की बात करें, करुण नायर ने ट्रिपल सेंचुरी मारी है, ठीक है, सहवाग के बाद ट्रिपल सेंचुरी करुण नायर ने मारी, ठीक है। शिखर धवन, मोहम्मद शमी फास्ट बॉलर हैं, ठीक है, और जसप्रीत बुमराह ये भी फास्ट बॉलर, ईशांत शर्मा ये भी फास्ट बॉलर हैं, ठीक है, और हार्दिक पांड्या ये ऑलराउंडर हैं हमारे टीम के। अभी हाल ही की टीम, अभी विराट कोहली के बाद मैं हाल ही की टीम बता रहा हूँ, ठीक है ना। हार्दिक पांड्या है, युजवेंद्र चहल हैं, स्पिनर बॉलर कुलदीप यादव। कुलदीप यादव कौन है? तो कुलदीप यादव चाइनामैन बॉलर हैं, क्योंकि चाइनामैन बॉलर बहुत ही रेयर होते हैं, ठीक है। तो कुलदीप यादव कौन है? चाइनामैन बॉलर, वैसे मैं बता चुका हूँ। उमेश यादव फास्ट बॉलर है, ठीक है। और अब हम बात करते हैं वुमेन्स क्रिकेट टीम की, ठीक है, वुमेन्स क्रिकेट टीम भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अंजुम चोपड़ा, ठीक है, ये पूर्व क्रिकेटर रह चुकी हैं, ठीक है। मिताली राज, ये अभी हाल ही में कैप्टन है, और स्मृति मंदाना, और हरमनप्रीत कौर, वेदा कृष्ण मूर्ति, झूलन गोस्वामी फास्ट बॉलर हैं, ठीक है, एकता बिष्ट और राजेश्वरी गायकवाड़, ठीक है ना। तो ये प्लेयर हैं, इनका नाम आपको याद रखना थोड़ा सा ज़रूरी। इनमें से खास खास नाम जो जिनको कोई पुरस्कार मिल चुका है या जो ज़रूरी हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर हुए, सौरभ गांगुली हुए, रणजीत सिंह सी के नायडू हुए, और भी इस तरह के जो प्लेयर हैं, इनका नाम याद रखना तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन इतना नाम आप इतनी याद कर लोगे, भारत के प्लेयर तो बहुत ज़रूरी, ओवरसीज़ आप याद करो ना करो, लेकिन भारत के प्लेयर याद करना तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। और वो याद करना ज़रूरी नहीं है, मैं आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बताता हूँ याद करने की। आप एक दो मैच देख लो अभी हाल ही के, तो उसमें हाल ही के प्लेयर तो आपको याद हो ही जाएंगे, ठीक है। चलिए फिर आप आगे देख, अब हम फैक्ट के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला फैक्ट ये है कि पहला ODI मैच कब हुआ था, पहला वनडे मैच कब हुआ था, सन 1971 में हुआ था, जो कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला गया था, है ना। और पहला जो वनडे वर्ल्ड कप था, जो वो कब हुआ था, 1975 में हुआ था, वेस्ट इंडीज़ में हुआ था, ठीक है, और जो कि वेस्ट इंडीज़ ने, सॉरी वेस्ट इंडीज ने, इंग्लैंड में हुआ था और वेस्ट इंडीज़ ने जीता था, ठीक है। फिर पहला T20 जो मैच है वो कब हुआ था, 2007 में हुआ था, जिसको भारत ने जीता था, साउथ अफ्रीका में हुआ था, ठीक है। और पहला टेस्ट मैच कब हुआ था, 1877 में हुआ था, जो कि किसने जीता था, ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, और किस किस के बीच में हुआ था, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था, जो कि SS सीरीज़ के नाम से अभी हाल में जाना जाता है, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में टेस्ट मैच जो है वो SS सीरीज़ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इतना तो आई होप आपको समझ में आ गया। अब पहली जो टेस्ट सेंचुरी भारत की तरफ से किसने मारी थी, लाला अमरनाथ, किन्होंने मारी थी, लाला अमरनाथ ने मारी थी टेस्ट सेंचुरी। उसके बाद जो पहली टेस्ट सेंचुरी किसने मारी थी, मतलब कोई पहली टेस्ट ही सेंचुरी की बात करें, मतलब वो इंडियन नहीं, ओवरऑल पहली टेस्ट सेंचुरी किसने मारी थी, चार्ल्स
बैनरमैन ने मारी थी, ठीक है। सैयद मुश्ताक अली जो पहले खिलाड़ी बने थे जिन्होंने विदेशी धरती पर पहली टेस्ट सेंचुरी जड़ी थी, ठीक है। फिर पहले कैप्टन कौन थे, सी के नायडू थे, जो कि जब देश आज़ाद नहीं 1932 में जो इंग्लैंड के खिलाफ मैच खेला गया था उसमें पहले कैप्टन कौन बने थे, सी के नायडू। और अब जब भारत आज़ाद हो गया 1947 के बाद के पहले कैप्टन कौन थे, लाला अमरनाथ, ठीक है। अब हम बात कर लेते कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बुक्स कौन कौन सी हैं, सचिन तेंदुलकर की प्लेइंग इट माई वे, ठीक है, और टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की बुक है, एट द क्लोज ऑफ प्ले रिकी पॉन्टिंग की बुक है जो कि ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी हैं, ठीक है। वाइड एंगल अनिल कुंबले की, ठीक है ना, अनिल कुंबले बॉलर थे तो बॉलर बॉलर क्या कर सकता है, वाइड बॉल कर सकता है, तो उससे आप याद रख सकते हैं वाइड एंगल, ठीक है। वन मोर ओवर, ठीक है, तो हमने प्रसन्न होकर कहा, खुश होकर कहा कि भाई एक ओवर और करो क्योंकि ओवर अच्छा लगा, प्रसन्न हो गए, तो प्रसन्ना ने ये बुक लिखी थी, ई प्रसन्ना ने, ठीक है ना। सन्नी डेज, वन मोर, वन डे वंडर्स, आइडल्स, रन्स एंड रियंस, ये सुनील गावस्कर की बुक्स हैं, ये सुनील गावस्कर की बुक पूछी भी जा चुकी हैं कई बार, ठीक है ना। इफ़ क्रिकेट इज़ रिलीजन देन सचिन इज़ गॉड, ये किसकी बुक है, ये सुब्रमण्यम स्वामी की ये किताब है, ठीक है। और भी किताबें हैं लेकिन वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, कभी पूछी नहीं गई हैं, इसलिए मैंने उनको इसमें जो स्लाइड है इसमें मैंने वो उसको ऐड नहीं किया है, ठीक। अच्छा हाँ, कपिल देव की कुछ बुक थी वो मैं इसमें ऐड नहीं कर पाया, सॉरी, तो मैं बोल देता हूँ तो आप लिख लेना। कपिल देव की बुक थी क्रिकेट इन माई स्टाइल, ठीक है, क्रिकेट इन माई स्टाइल, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, है ना, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, द वर्ल्ड ऑफ कपिल देव, ठीक है। तो ये जो बुक है, ये तीन बुक है कपिल देव ने जो लिखी थी, ठीक है। और चलिए तो फिर अब आगे देखते हैं हम। सो गाइस, वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है और आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। दोनों पार्ट हमने कवर कर दिए हैं, जितना भी क्रिकेट में हो सकता था उतना मैंने कवर किया, और वीडियो काफ़ी बड़ा बना है, और इसकी वजह ये भी है क्योंकि देखिए वीडियो केवल प्रीलिम्स के लिए, केवल मेंस के लिए ज़रूरी नहीं है, ये इंटरव्यू के लिए भी ज़रूरी है, ठीक है। सारे वीडियो आप इंटरव्यू पॉइंट से भी देखा करिए, क्योंकि देखिए इंटरव्यू में क्या होता है, वो आपकी हॉबी ज़रूर पूछते हैं और हॉबी आपकी प्रिपेयर होना चाहिए, ठीक है। यदि आपकी हॉबी प्रिपेयर है ना, तो आपको ना मार्क्स अच्छे मिलने के चांस हैं इंटरव्यू में, ठीक है ना। तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो हॉबी ना या तो कोई गेम्स बोलते हैं या फिर सिंगिंग विंगिंग या इस टाइप की चीज़ बोलते हैं, तो यदि आपने गेम्स बोला, स्पोर्ट बोला है कोई हॉबी में, फिर आपको मेरे वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वीडियो में सब कुछ रहता है, ठीक है ना। तो हमने सारा कुछ कवर कर दिया है क्रिकेट में, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें यदि आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, और वीडियो को लाइक करके तो बिल्कुल जाना, क्योंकि यहाँ तक आपने देखा मतलब आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तभी तो आपने देखा, तो आप लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना प्लीज़। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, बाय गाइज़।